गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज एडिटोरियल नहीं आता है, आपको पहले ही बता दें, आज संडे है, लेकिन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आते हैं, तो आज हम लोग न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। और एक और बात, कल के लिए एक्सट्रीमली सॉरी, 23 नवंबर का एक्सप्रेस डिस्कस नहीं किया गया था। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा उन सारे आर्टिकल्स को। जो आर्टिकल आपको मुश्किल लगा हो, जो समझ में ना आया हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दैट आर्टिकल विल इंक्लूड टुमारो, कल के एनालिसिस में उस आर्टिकल को डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का न्यूज़ डिस्कशन शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमारा एसे राइटिंग का कोटेशन है, बहुत ही अच्छा कोटेशन है। वंस यू स्टार्ट अ वर्किंग ऑन समथिंग, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर एंड डोंट अबंडन इट। पीपल हु वर्क सिंसियरली आर द हैप्पीएस्ट। ये स्टेटमेंट चाणक्य का है, ये आपके इंडिविजुअल के ऊपर भी लागू होता है, इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं ऐसे वगैरह में। कहा यह जा रहा है कि जब भी आप किसी चीज़ के लिए अपना काम शुरू करते हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए काम शुरू करते हैं, तो वहाँ पर फेलियर का डर आपको सताना नहीं चाहिए। साथ में आप उस चीज़ का त्याग मत कीजिए। और जो व्यक्ति सिंसियरली यानी कि अच्छे से अपना काम करते हैं, काम पर ध्यान देते हैं, जैसे गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो उसी सेम कॉन्सेप्ट पर ये चीज़ भी यहाँ पर कही जा रही है कि अगर आप सिंसियरली काम करते हैं तो आप वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पर्सन होंगे। तो यहाँ पर क्रक्स ये है कि आप अगर तैयारी में लगे हुए हैं, यूपीएससी में लगे हुए हैं, आपका ये एम है, गोल है, तो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए काम करें। क्या होगा और क्या नहीं होगा ये आगे की बात होती है, बट आज का जो दिन है, आज का जो समय है, वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा और पूरे दिन की शुरुआत इसी थॉट के साथ आपको करनी है। ये इन्फॉर्मेशन कोचिंग के बारे में है, जैसा कि आपको पता है गाइडेंस का प्रोग्राम अवेलेबल है। जिनको भी डर लगता है राइटिंग स्किल से, आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है आपके लाइफ में, जबकि आपको दिल से ये बात पता होती है कि आंसर राइटिंग के बिना काम नहीं होने वाला है, तो इसके लिए आप अप्रोच कर सकते हैं इस गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पर, या आकर के मुलाकात कर सकते हैं, एक्सपर्ट से जानकारी ले सकते हैं कि क्या करें, कैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए, और जो भी आपको एक फैक्टर मिलेगा वहाँ से उस पर अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप डिटेल्स कोचिंग में आकर के ले सकते हैं या फ़ोन पर पता कर सकते हैं। देखिए, आज एक और इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, जो लोग बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करते हैं और ज़्यादातर बिहार से बिलोंग करते हैं, हालांकि अदर स्टेट वाले भी मैथिली ऑप्शनल रखते हैं। ये एक लिटरेचर सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है। हाँ, लेकिन ये कम्प्लीटली आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपना ऑप्शनल क्या चुनना चाहते हैं। आप में से अगर कुछ लोग मैथिली को एज ऑप्शनल बनाना चाहते हैं तो वो अप्रोच कर सकते हैं। सुरेंद्र राउत सर का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े दिग्गज माने जाते हैं मैथिली साहित्य के क्षेत्र में, और उनकी जो नई क्लास है वो शुरू होने जा रही है। बहुत ही आसान भाषा में, आसान तरीके से वो आपको लिखना सिखाते हैं। और जिनको भी लगता है कि उनको ये मैथिली एज ऑप्शनल रखना हो, वो ये जो कॉन्टैक्ट नंबर स्टेपअप का, उस पर भी अप्रोच कर सकते हैं, या यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उस पर भी आप डायरेक्टली सर से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी है, क्या पता आप लोगों से किसी का फ़ायदा हो जाए इससे। चलिए आज का न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे राष्ट्रपति महोदय ने कहा है कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को इंश्योर करने की ज़रूरत है। नाउ इट्स हाई टाइम टू इम्प्लीमेंट कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। अभी एक रीसेंट कॉन्फ्रेंस हुआ है, गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था, 50th गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस था ये, राष्ट्रपति भवन में इसका आयोजन किया गया था। तो प्रिलिम्स के लिए भी ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट सभी ने पार्टिसिपेट किया, और इस पूरी मीटिंग में जो बातचीत हुई है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पर आपको आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी दिया गया है, और जो बातें यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा कही गई हैं वो बिल्कुल आपके आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में कही गई हैं। ठीक है, इनका मानना है कि गवर्नर का रोल सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है स्टेट को मैनेज करने में, और उसमें अगर हम ये चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म इंश्योर हो, तो भाई क्या होता है ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म? देखिए, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, जहाँ पर संघ और राज्य दोनों की भूमिका हो, समान तरीके से हो। अब इसमें हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव की। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वो होता है जहाँ पर स्टेट और सेंटर का आपस में कोऑपरेशन होता है, दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करते हैं। जो लोकल बॉडीज़ रिप्रेजेंटेशन होता है उनको भी भागीदारी दी जाती है, और एक
सर्वसम्मति से सारा काम होता है। बट क्या मतलब होता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का? इट मीन्स कि जब स्टेट के आपस में कॉम्पिटिशन हो, मतलब स्टेट कम्पीटिंग अमंग देमसेल्फ, भारत में जो राज्य हैं वो आपस में कॉम्पिटिशन करें पॉजिटिव टर्म में, पॉजिटिव मैनर में, किसके यहाँ ज़्यादा एजुकेशन होगा, किसके यहाँ ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रेट होगा, कहाँ पर सारी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी वहाँ के सिटीजन को, तो इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। और इसको कौन इंश्योर कर सकता है? गवर्नर इंश्योर कर सकता है, इनका बहुत बड़ा रोल वहाँ पर हो सकता है। साथ में इन्होंने जो अभी न्यूली मेड यूटीज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया है, उनके बारे में भी इन्होंने जिक्र किया कि यूटीज़ और स्टेट दोनों ही जगह पर गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर का बहुत अच्छा रोल हो सकता है। तो इनको अपने रोल के ऊपर फोकस करना चाहिए, वहाँ के जो ट्राइबल पीपल हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, वहाँ के लोगों को एम्पावर कैसे किया जाए, इंक्लूसिव ग्रोथ को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इन सभी जगह पर गवर्नर को अटेंशन में और इम्फेसिस देना चाहिए। साथ में कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्होंने कहा, इन्होंने 5 मेजर सेक्शंस की बात की जहाँ पर गवर्नर्स को रिफॉर्म को इम्पोज करना चाहिए। तो रिफॉर्म किस जगह पर होना चाहिए? वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, राइट? तो एग्रीकल्चर के फील्ड में जो वाटर कंजर्वेशन का इशू है, जल जीवन मिशन लॉन्च किया है, उसमें कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को दिखाया जाना चाहिए। एजुकेशन पॉलिसीज जो हायर एजुकेशन के लिए लाई जा रही हैं, उस पर एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं गवर्नर। और साथ में ईज ऑफ लिविंग जो इंडेक्स है, वहाँ पर कैसे अच्छा लेवल और परफॉर्मेंस स्टेट लेकर गया है, उसके लिए बहुत अच्छा रोल हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, इसको आपको याद रखना है, इन फैक्टर्स को याद रखना है और उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। इन इंडिया देर इज़ अ नीड ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टू मोर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म एंड द गवर्नर कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इंश्योरिंग दिस कॉम्पिटिटिवनेस। इसको आप ट्राई करेंगे 151 में। अगला न्यूज़ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़ भी। छत्तीसगढ़ में एक लॉ पास हुआ है अभी, और मतलब इसको लॉ बनाया गया है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ और द रूल, जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनके लिए पंचायत में सीट्स लाई गई हैं, ठीक है? तो इसमें क्या न्यूज़ है ये ध्यान से देखते हैं। स्टेट पंचायती राज एक्ट है 1993 का, ठीक है? उसी के तहत ये रूल इम्पोज किया गया है, जिसमें कि इस एक्ट में अमेंडमेंट किया जाएगा। कौन से एक्ट में अमेंडमेंट किया जाएगा? स्टेट पंचायती राज एक्ट 1993। ये छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स में सीधा फैक्टर बनेगा, क्वेश्चन आएगा कि कौन से राज्य में ये अमेंडमेंट किया गया है, तो छत्तीसगढ़ उसका सही ऑप्शन होगा। इसमें ये बदलाव किया जाएगा कि प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन विद डिसएबिलिटीज इन ऑल पंचायत्स अक्रॉस द स्टेट, पूरे राज्य में जितने भी पंचायत हैं वहाँ पर डिसेबल्ड पर्सन को एक सीट दी जाएगी, इसको मैंडेटरी किया जाएगा इसके बाद। और साथ में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बैरियर है उसको भी रिमूव किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल। छत्तीसगढ़ में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बैरियर लगा हुआ है पंचायती इलेक्शन में, उसको हटाया जाएगा। तो ये यहाँ पे मेंस के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी हमने कई जगह पर पढ़ा है कि एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए लोकल गवर्नमेंट में या और इन सब जगह पर एजुकेशन को इंक्लूड कर दिया जा रहा है कि आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ये होना चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में अगर इस चीज़ को रिमूव किया जा रहा है तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? क्या इस हिसाब से जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन को वहाँ पर ज़्यादा महत्व तो नहीं दे रही है एज़ इन कंपेरिजन टू द सोशल वेलफेयर? तो ये फैक्टर्स यहाँ पर बनेगा, इसके हिसाब से आपको सोचना है कि क्या इसका क्रक्स हो सकता है। एंड इसमें कुछ फैक्ट्स भी दिए हैं, डाटा वगैरह भी दिया हुआ है कि 11,000 जो पर्सन हैं वहाँ पर डिसेबल्ड हैं पूरे स्टेट में, जो कैलकुलेशन किया गया है अकॉर्डिंग टू दैट। तो सोशल एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये राज्य सरकार का छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर डिसेबल्ड पर्सन्स को ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। साथ में अगर किसी कोई चुनाव में नहीं खड़े होते हैं, उनको चुना नहीं जाता है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो नॉमिनेट करेगी एक व्यक्ति को जो डिसेबल्ड होंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या था, क्लास 5 और क्लास 7 का जो ये रूल था उसको ख़त्म किया जाएगा, ठीक है? तो अब इसमें बेसिक फैक्ट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए, इस पे पेसा एक्ट आपको पढ़ना होता है। एक तो जो पंचायती राज का एक्ट है वो तो आप पढ़ते हैं, जो पूरे भारत में लागू होता है, लेकिन ये हम पेसा की बात कर रहे हैं। पेसा एक्ट 1996 में आया था।
पेसा में होता है पंचायती राज का एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया, याद रखिएगा इन शेड्यूल्ड एरिया में ये 9 स्टेट आते हैं, 9 स्टेट जो 5th शेड्यूल में मेंशन है, याद रखिएगा पीटी का फैक्ट है, 9 स्टेट जो 5th शेड्यूल में आते हैं वो कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, राजस्थान, तो ये राज्य इसमें आते हैं, यहाँ पर पेसा लागू होता है, ठीक है। तो इसको पार्ट 9 में रखा गया है और 1996 में इस रूल को लाया गया था, सो दैट ये जो शेड्यूल्ड एरिया है यहाँ पर जो पंचायती राज के रूल एंड नॉर्म्स हैं उसको एक्सटेंड किया जा सके इन अ अदर मैनर। अगला न्यूज़ देखते हैं, वन पोल बॉन्ड्स, यहाँ पर बात कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की, इस पर क्वेश्चन भी आपको दिया गया था पहले, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इसमें कुछ एक दो फैक्ट को डिस्कस किया जा रहा है कि किस तरीके से जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो भी खतरा बनता जा रहा है, इसमें एक जो कैरेक्टर है एनॉनिमस का, इसमें जो लोग पैसा देते हैं इस बॉन्ड को परचेज करते हैं और उसके बाद उस बॉन्ड को डोनेट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उसका पता नहीं चल पाता। बेसिक तो आपको मालूम होगा इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था और इस बॉन्ड के माध्यम से आप जो पैसे हैं 1 करोड़ रुपए तक वो डोनेशन दे सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इसके लिए आपको SBI के पास जाकर के बॉन्ड खरीदना पड़ता है, ये पूरे साल बॉन्ड नहीं मिलता, इलेक्शन से 1 महीने पहले इस बॉन्ड को रिलीज़ किया जाता है ओनली इन SBI बैंक, वहाँ पर जाकर के आप बॉन्ड को खरीदेंगे और फिर इस बॉन्ड को आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को देंगे उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को विद इन 15 डेज इस बॉन्ड को रीचेक करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसका बैकग्राउंड है। अब यहाँ पर मुद्दा ये उठ रहा है कि अभी एक RTI डाला गया था, उस RTI में पता चला कि जो मैक्सिमम बॉन्ड हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड वो उसमें 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का बॉन्ड खरीदा गया है, तो एक तरफ तो इसका उद्देश्य था कि ब्लैक मनी को कर्व करना, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है पैसे का और साथ में एनोनिमिटी जो ये एक्सपेक्ट रखा गया है इलेक्ट्रोल बॉन्ड में कि जो व्यक्ति बॉन्ड खरीद रहा है उसका पता नहीं चलेगा, ऑब्वियसली हम उसके बारे में जान भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर 1 करोड़ रुपए तक का बॉन्ड कौन खरीद रहा है और किस पार्टी को दिया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के भी कई सारे डायरेक्शंस एंड रूल्स आए हैं, अपोजिशन भी इसके खिलाफ बोल रही है, बहुत सारे NGOs ने भी पिटीशन डाला हुआ है कि ये जो कैरेक्टर है एनोनिमिटी का इसको हटाया जाए, ट्रांसपेरेंट किया जाए सिस्टम को और ज़्यादा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी के लिए ही इस बॉन्ड को प्रपोज किया गया था। गैस कम कर दीजिए, वहीं आगे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि देखिए इस बॉन्ड से परेशानी नहीं है लेकिन इस बॉन्ड में जो एनोनिमिटी कैरेक्टर है उस बात से दिक्कत है, उसको रिमूव करने की ज़रूरत है या उसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के भी कई सारे डायरेक्शंस इस पर आए हुए हैं, तो सब ने यही बताया है कि कंसर्न फुल यही है। दूसरा फैक्टर क्या है यहाँ पर, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी बताया कि इसमें जो डेट दिया जाता है वो सर्टेन पीरियड के लिए आता है, यानी कि इलेक्शन से 1 महीने पहले इसको लॉन्च किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ जगह पर देखा गया कि इसको 55 डेज तक एक्सटेंड किया गया विच इज़ अगेंस्ट द रूल, तो यहाँ पर रूल ब्रीच भी किया जा रहा है इस बॉन्ड को लाने में। दूसरा, 2018 में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा फंडिंग हुई है इस बॉन्ड के माध्यम से, इसके बाद जो बदलाव किए गए हैं ये सारे एक्ट है, देखिए ये फिल्म्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा कि इस बॉन्ड को जारी करने के लिए कौन कौन से एक्ट में बदलाव किया गया है, तो अमेंडमेंट किया गया है फाइनेंस एक्ट में 2016, फिर RBI एक्ट 1934 में बदलाव किया गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इनकम टैक्स एक्ट 1961, कंपनी एक्ट 2013 और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में अमेंडमेंट किया गया है टू इम्प्लीमेंट दिस इलेक्टोरल बॉन्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन और इशू है, इस पर चीज़ें आती जा रही हैं लगातार, फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे और अपने आंसर में इसको कोट करेंगे, और इस पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप ट्राई करने वाले हैं 151 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज के फॉर्म में हम देख रहे हैं क्या एक नया नेशन बन सकता है, तो अभी ये सवाल बना हुआ है, इलेक्शन जारी है, पैसिफिक आइलैंड चेन में एक आइलैंड है पापुआ न्यू गिनी, जहाँ पर बहुत दिनों से काफ़ी सिचुएशन ख़राब थी, वहाँ पर एक प्लेस है बोगेनविले जिसमें कि लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनको अलग किया जाए, उनको एक अलग देश घोषित किया जाए, उसके लिए रेफरेंडम चल रहा है और अभी ये रेफरेंडम प्रोसेस जो है वो स्टार्ट है, ऑन है, 2 लाख के करीब वहाँ पर लोग होते हैं जो वोट करेंगे इसमें, एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन, वर्ल्ड में हो सकता है कि एक नई कंट्री पैसिफिक आइलैंड में उभर कर सामने आए। इसका लोकेशन आप देखना चाहते हैं तो ये लोकेशन है, प्रिलिम्स के फैक्टर से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये लोकेशन पूछा जा सकता है कि कौन से ओशन में है, तो ये पैसिफिक आइलैंड है, पैसिफिक ओशन में है, ठीक है, यहीं पर सोलोमन आइलैंड भी है और इसका जो बेसिक फैक्ट है पापुआ न्यू गिनी से इसको अलग होना है, तो ये याद रखना है आपको।
आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ एफएटीएफ पर बेस्ड है। एज अगेन यूएस ने कहा है कि पाकिस्तान को एफएटीएफ के रूल्स को इम्प्लीमेंट किया करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। वहाँ पे जो टूरिस्ट अमेरिका से आते हैं उनको भी एडवाइजरी जारी किया गया था कि वो पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, किडनैपिंग होते हैं और बहुत सारी जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं वो उस रीजन में हैं, तो वहाँ पर ना जाएं। और इसके लिए वहाँ के हायर ऑफिशियल्स ने ये भी कहा है कि जो बेसिक रूल्स हैं एफएटीएफ के, उसको पाकिस्तान को अपने यहाँ पर लॉन्च करना चाहिए, जैसे कि काउंटर टेररिज्म को जो फाइनेंसिंग किया जाता है उसको पूरी तरीके से रोकना चाहिए, साथ में एसेट वगैरह को सीज़ कर लेना चाहिए ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का जिनको कि जो वहाँ पर कथित तौर पर रह रहे हैं। तो ये सारे स्टेप्स पाकिस्तान को लेने होंगे एज सून एज पॉसिबल। आपको पता होना चाहिए कि अभी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है एफएटीएफ में, और हो सकता है कि इसको कुछ समय के बाद, अभी एक्सटेंड किया गया टाइम जनवरी फरवरी तक का, कि अगर इसने अपने यहाँ पर रूल इम्प्लीमेंट नहीं किया एफएटीएफ के, तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और ब्लैक लिस्ट में आने के बाद जो अदर इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो फिर पाकिस्तान को फंडिंग नहीं करेंगे और हर जगह पर बाइकॉट कर दिया जा सकता है। क्या होता है एफएटीएफ का बेसिक जान लेते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसको 1989 में बनाया गया था, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है ये, ठीक है, G7 कंट्रीज का इनिशिएटिव था ये, और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करता है, टेरर फाइनेंसिंग में पैसे ना जाएं इसके लिए काम करता है, रेगुलेटरी रिफॉर्म लेकर के आता है, और जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको इनके लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, फाइनेंशियल सिस्टम को कैसे एक्सपीरेशन हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको याद रखना है प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लैप्टिव सी कहाँ है भी लोकेशन में हम लोग देखेंगे। साथ में आपको याद रखना है एक जो प्रोजेक्ट है द मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट, यहाँ पर आर्कटिक पूरे रीजन में जो क्लाइमेट चेंज से बदलाव आ रहा है उसको रिसर्च करने के लिए, स्टडी करने के लिए ये मिशन, ये प्रोजेक्ट चलाया गया है। इसमें कई सारे देश हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेजरली जर्मनी है जो पार्टिसिपेट कर रहा है और अदर कंट्रीज में इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये बेसिक फैक्ट याद रखता है। इसमें लैप्टिव सी के बारे में जान लीजिए, ये लोकेशन है लैप्टिव सी का यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अदर जो रिवर वगैरह है उसका भी आपको नाम याद रखना है, लोकेशन ठीक से याद रखिएगा, अंटार्कटिक वहाँ पर ऑप्शन में आ जाएगा, पैसिफिक आइलैंड आ जाएगा, तो आर्कटिक ओशन आ जाएगा, तो याद रखना है कि ये लैप्टिव सी आर्कटिक ओशन में है। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। इसमें एम्प्लॉयमेंट का डाटा आपके सामने है, PLFS के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट है उसका ब्रीफ आपको यहाँ पर मिल रहा है, अर्बन एरिया में कितना जॉबलेस हुआ है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट आया है, उसी के बारे में पूरा डिटेल है। तो एक जगह पर ज़रूर इसको कोट कर लें, लिख लें। अर्बन एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर 9.3% जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है वो है, जनवरी से मार्च का ये डाटा यहाँ पर दिया जा रहा है, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जो क्वार्टर है उससे कंपेरिजन किया जा रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ा है अर्बन एरिया में। फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा है, 11.6% है जो हाईएस्ट है, काफ़ी हायर है प्रीवियस कंपेरिजन से देखा जाएगा तो। उसके बाद जब मेल की बात करते हैं तो मेल अनएम्प्लॉयमेंट भी 8.7% पर है। मेल फीमेल में कंपेयर करें तो ऑब्वियसली फीमेल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है। यहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक दिया हुआ है कि फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट जो सबसे ज़्यादा है वो जम्मू एंड कश्मीर में है 38.2%, उसके बाद उत्तराखंड 33.7%, इवन केरला जो बाकी सारे जगह पर बहुत ज़्यादा आगे होता है वहाँ पर भी फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, 21.5% है। मेल की बात करें तो ओडिशा में 15.6% में सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में, उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर दिल्ली का नंबर आता है। अदर जो द एनुअल रिपोर्ट ऑफ पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे है, अकॉर्डिंग टू दैट रूरल और अर्बन दोनों एरियाज के अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट रेशियो को इसमें शेड्यूल किया गया है, चेक किया गया है, और इसमें अगर ईयर के टर्म में बात करें तो LFPR के अकॉर्डिंगली 15 to 29 ईयर के बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 37.7% का है। कि यहाँ पे ये एम्प्लॉयमेंट रेशियो दिया हुआ है कि कहाँ पर कितना एम्प्लॉयमेंट है, मेल की बात करें तो 37.7% है जो कि पहले 38.2% था, मतलब एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हुआ है। फीमेल का सिर्फ 16% है जो पहले 16.7% पर था। उसके बाद बिहार और यूपी की भी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो यहाँ पर आप डाटा के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपको ट्राई करना है, एम्प्लॉयमेंट डाटा पर ही आपको दिया गया है। अगला न्यूज़ जो इमेज के फॉर्म में यहाँ पर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर भी है,
नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस सर्वे के अकॉर्डिंगली जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या क्या बातें पता चली है कि एजुकेशन वगैरह पे कितना खर्च होता है, क्या लेवल है, क्या परसेंटेज रेशियो है, वो बताया जा रहा है। तो 7 ईयर से अबव जो लिटरेसी रेट है वो कितना है भारत में, 77.7% है, और अर्बन एरिया में, रूरल एरिया की बात करें तो वो कितना है, 87.7% इन अर्बन एरिया और 77.7% रूरल एरियाज में है। ऑब्वियसली अर्बन एरिया में ज़्यादा होगा, लेकिन इसको आप याद रख लीजिएगा अगर आप आंसर वगैरह में इसको यूज़ करना चाहते हैं तो। 15 ईयर से अबव, अभी हम क्या बात करते हैं कि 7 ईयर से अबव, 15 ईयर से अबव जो एजुकेशन का अगर हम बात करते हैं, लिटरेसी रेट की बात करते हैं, तो रूरल एरिया में 30.6% है, वेर एज 57.5% है अर्बन एरिया में। एम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए तो एनरोलमेंट है, एनरोलमेंट की बात की जाए तो 3 से 35 ईयर तक का जो एज ग्रुप है उसमें एनरोलमेंट कितने लोगों का होता है, 13.6% का एनरोलमेंट होता है। नेवर एनरोल्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट द रूरल एरिया, 13.6% लोग कभी एनरोल्ड ही नहीं करते खुद को। तो 13.6% है जो कभी एनरोल नहीं करते हैं, अर्बन एरियाज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। 42.5% कभी एनरोल नहीं करते खुद को, एनरोल करते हैं लेकिन जाते नहीं हैं अटेंड करने के लिए क्लासेस। 43.9% है जो कि अभी अटेंड कर रहे हैं क्लासेस। रूरल एरिया में ऑब्वियसली रेशियो ज़्यादा होगा, 15.7% है जो एनरोल ही नहीं करते, 40.7% लोग एनरोल करते हैं बट क्लास अटेंड नहीं करते हैं। तो ये डाटा है रूरल अर्बन एरिया के एनरोलमेंट का, इसको एग्जैक्टली आप याद रख सकते हैं। 57% ऑफ द स्टूडेंट इन रूरल एंड 23.4% इन अर्बन एरियाज रिसीव्ड फ्री एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट स्टेप्स में आप इसको लिख सकते हैं कि रूरल एरिया में 57% लोग हैं जो फ्री एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं और 23.4% है जो अर्बन एरिया में फ्री एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं। 1 लाख लोगों पर अप्रॉक्स ये सर्वे किया गया था, उसके बाद ये डाटा आपको दिया गया है। एंड इन्फॉर्मेशन वॉज कलेक्टेड ऑन एबिलिटी टू ऑपरेट कंप्यूटर, कैसे लोग, कितने लोग 5 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं, इंटरनेट चला सकते हैं कि नहीं, विद इन 30 डेज, इन सभी चीज़ों को चेक करके ये डाटा आपके सामने रखा गया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आज के प्रिलिम्स के बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ना है। यहाँ पे हमने बहुत सारे फैक्ट्स को देख लिया है, बट जो बेसिक फैक्ट आपको इसे जल जीवन मिशन के बारे में राष्ट्रपति जी का कहना है, तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि ये क्या है, हायर एजुकेशन के बारे में क्या पॉलिसीज़ हैं, ईज ऑफ लिविंग का क्या इंडेक्स होता है, छत्तीसगढ़ के बारे में हमने पढ़ लिया, बट बेसिक और फैक्ट्स आपको याद रखना है। तो ये सारे बेसिक और फैक्ट्स हैं जिसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। पेसा एक्ट के बारे में हमने जानकारी ले ली है, बट आपको यहाँ पर जो मैनुअल स्कैवेंजर्स को लेकर के रूल्स बने हुए हैं उसके बारे में जानना है, क्योंकि इस पर न्यूज़ आई हुई, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी इसलिए उसको शामिल नहीं किया गया, बट इसका जो बेसिक फैक्ट है वो आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, थैंक यू।